ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? वही जो तुमने सुना है। तो आप ये जमा जमा धंधा छोड़ देंगे? हाँ, ये दीन दयाल का फैसला है। बाबा आप राधा के बहकावे में आकर पहले भी ऐसा सोच चुके हैं। पहले हमने सिर्फ सोचा था, अब हमने फैसला कर लिया है। क्या सचमुच ये आपका आखिरी फैसला है? हमें ये फैसला भी तुम्हारी बेवकूफी की वजह से करना पड़ा। हमने तुम्हें मना किया था कि तुम घर पर धंधे की बात नहीं करोगे, मगर तुम अंजना पर पाशा जंग की असलियत खुली तुम्हारी वजह से, और राधा को भी पाशा जंग की असलियत का पता चला फोन के जरिए। खैर जो हुआ अच्छा ही हुआ, जिंदगी के किसी मोड़ पर यह तो होना ही था। इसका मतलब अब आप पाशा जंग के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते? हाँ। ये तो अच्छा होता कि आप अपने आप को गोली मार लेते। अरे चिल्ला मत बाबा, चिल्ला मत। हमारे धंधे में ताकत है, हौसला है, तो जिंदगी है। अगर वो खत्म तो सब खत्म। पाशा जंग के काम था, एक तूफान था, और आज जंगल का शेर ही जंगल का राजा होता है बाबा, पिंजरे का शेर नहीं। पिंजरे का शेर तो तमाशबीनों की तालियों और फिल्म मास्टर के डंडे का मोहताज होता है। अच्छा, तो अब तुम हमें आंखें दिखाओगे? आंखें दिखा नहीं रहा हूं बाबा, आंखें खोलना चाह रहा हूं, मगर अंधे के आगे रोने और अपना राग अलापने से कोई मतलब नहीं होता। हमारे टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता आज हमी पर भौंक रहा है। सांप तो आखिर सांप ही होता है ना बाबा, फिर वो आस्तीन में पले या तफा हो जाओ यहां से। नसीब वाले हो कि इस बदतमीजी का जवाब तुम्हें पाशा जंग नहीं बल्कि वो दीन दयाल दे रहा है, जिसकी बेटी के तुम सुहाग हो और जो अपनी बेटी का सुहाग उजाड़ नहीं सकता। जाओ, हमने तुम्हें माफ किया। ये सबूत है इस बात का कि दीन दयाल ने अपने ही हाथों से पाशा जंग का गला घोट दिया है।